सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज मेरे साथ एक बहुत खास जन है, मतलब बहुत दूर से आया है, ये बम्बई साइड से आया है और इनकी प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम पर ये काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं पर इनके फॉलोवर नहीं बढ़ रहे और व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मिलते हैं भाई, आ जाओ। ये भाई है, पहले बताएंगे कहाँ से आया भाई। भाई मैं मुंबई से आया हूँ, अभी आया हूँ, सुबह सुबह भाई से मिला और अच्छा लगा भाई से। तो क्या प्रॉब्लम है आपकी भाई? ऐसा है कि मैं पिछले एक साल से काम कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, लेकिन 180 फॉलोवर्स, 150 फॉलोवर्स, इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है, कंटेंट अच्छा है लेकिन फॉलोवर्स नहीं बढ़ते। व्यूज़ कितने आ जाते हैं आपके? व्यूज़ भाई अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, 14K ऐसे व्यूज़ आ रहे थे, फिर उसके बाद फिर दब गए एकदम से, फिर काम कर रहा हूँ फिर मज़ा नहीं आ रहा काम करने से। बात यह है कॉन्टेंट क्या रहता है आपका, पहले ये बताओ। कॉन्टेंट ये है कॉमेडी के से, एक पर्पज से लेकर जो रोज़मर्रा की जिंदगी उनमें कुछ उठा के हम डाल देते हैं अपने लाइफ को छोड़ के। ना ये गलती कर, देखो कुछ भी नहीं डालना अपने इंस्टाग्राम पर, ठीक है? अगर आप बिगिनर हो और आप सोच रहे हो कि कुछ भी और किसी की भी वीडियो उठा करके डाल दोगे तो वो वीडियो चलने वाली नहीं है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आपको किसी का कंटेंट उठा करके अपनी वीडियो के अंदर नहीं डालना है। और ये भाई क्या करते हैं, मतलब कोई सी भी वीडियोज़ बना दी, कभी सॉन्ग पे लिपसिंग करके वीडियोज़ बना दी है ना, कभी कॉमेडी वीडियोज़ बना दी, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक कैटेगरी के अंदर वीडियोज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है? तब जाकर के आपका इंस्टाग्राम ग्रो होगा, वरना भूल जाओ। और कोई गलती तो नहीं करते थे आप वीडियो बनाते समय? हम जो है ज़्यादातर बाहर की ब्लॉग की वीडियो शूट करते थे, घर में बाहर, तो वहाँ नॉइज तो नहीं आती थी भाई? इतना तो गौर नहीं किया, लेकिन वीडियो बनाने में ज़्यादा ध्यान रहता था हमारा। नॉइज मतलब आती थी कभी कभार, ऐसा लगता था कि आवाज़ भी दब जा रही है। तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हो और आपके पास माइक नहीं है, ठीक है, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या करो, एक बढ़िया सा माइक खरीद लो। बोया का माइक आ जाता है 700-750 रुपये का, ऑनलाइन चेक करोगे तो ऑनलाइन तो महंगा ही मिलेगा, ऑफलाइन अगर आप जाकर के मार्केट से लोगे तो वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो सब क्या करना है आपको, जब आप वीडियो शूट करते हो तो आपको एक बढ़िया सा माइक लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी वॉइस अच्छी आएगी। और क्या करते थे आप? हम जो है ना वीडियो शूट करते थे कभी 1:59, मतलब इसी के आसपास जो हम लोग किसी में वीडियो शूट करते थे, मतलब ज़्यादातर हम बड़ी वीडियो सोचते थे कि बनाए, मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा रखते थे अपनी वीडियो को, है ना, 50 सेकंड, 55 सेकंड, इतना तो आप ड्यूरेशन रखते थे। दोस्तों सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बिगनर्स लोग, क्योंकि क्या करते हैं कि एकदम लॉन्ग वीडियोस बना करके डाल देते हो आप लोग इंस्टाग्राम रील पर, तो वो वायरल कैसे होगी, क्योंकि शुरू में कोई आपको जानता नहीं है, ठीक है, शुरू में आपको कोई जानता नहीं है। तो आपको क्या करना है, शुरू में जब भी आप अपनी रील को अपलोड करो तो ड्यूरेशन कम रखो, 15 से 30 सेकंड के अंदर अपनी वीडियो का, अपनी रील्स का ड्यूरेशन आपको रखना है, ठीक है, इस बात का एकदम खास ध्यान रखना, क्योंकि शुरू में आपको कोई नहीं जानता है, लोगों को जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। और सबसे पहली चीज़ आपको अपने कंटेंट में इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि लोग आपके कंटेंट को ज़्यादा देर तक देखें और आपकी रील वायरल हो, क्योंकि रील वायरल तभी होती है जब ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होता है, समझ गए? और क्या करते थे आप? हम जो है फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, मेरे एक दोस्त ने ट्रिक बताई थी मुझे कि दूसरे बंदे को फॉलो कर ले 10-15 बंदों को, और वो जैसे फॉलो बैक करे तो उनको अनफॉलो मार दे, तेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। मतलब ये भाई क्या करते थे, पहले सबको फॉलो कर देते थे, इनके दोस्त ने इन्हें बताया था कि सबको फॉलो करके अनफॉलो कर दे जब वो तुझे फॉलो बैक दे दे। तो दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इस गलती से आपको क्या है कि इंस्टाग्राम समझ जाएगा कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, उससे क्या होगा आपकी आईडी शेडो बैन हो जाएगी और आपकी आईडी फ्रीज हो जाएगी, जिस 2000-3000 व्यूज शुरू में आते थे उससे भी हाथ धो बैठेगा, 15-30 व्यूज ही आ पाएंगे आपकी वीडियोज पर। आपके साथ भी ऐसे ही है, आपकी कोई वीडियो वायरल हुई थी बिना, जब आपने फॉलोवर नहीं बढ़ाए थे चीटिंग से? तो एक वीडियो वायरल हुई थी, 500,000 व्यूज गए थे उस पे, लेकिन उसके बाद हमने जो है लालच के मारे में यही चीज करने की कोशिश करी। तो ये सबसे बड़ी गलती है, आपको क्या करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि पहले सबको फॉलो कर दो, फिर उसके बाद अनफॉलो करके जब उनका फॉलो बैक आ जाए तो उनको अनफॉलो कर दो। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। तो आपके आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए और दोस्तों आपकी भी कुछ हेल्प होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।